Hello guys, welcome back to Ambition Nursing Classes. In this class, we are going to learn about normal labor. So first, what is the definition of labor? So a labor can be defined as a series of events that take place in the genital organs of a female in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through the vagina into an outer world is called labor. So labor kya hai? It includes series of event in order to expel the product of conception into the outer world, है ना? So product of conception में हमारा क्या क्या include होता है? Product of conception में just fetus नहीं होता, fetus के साथ we have placenta and most important placenta and its membranes. Placenta के साथ उसकी membranes भी होनी चाहिए. Clear? Next, there are some important terminologies. So first is a parturient. Parturient क्या होता है? A parturient is a patient or a woman in labor. जो भी woman labor में है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? Parturient. And what is parturition? Parturition is a process of a giving birth. ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ है उसको बोलेंगे पार्टुरेशन, और जो वुमेन इन लेबर है उसको बोलेंगे पार्टुरेंट. नेक्स्ट इज डिलीवरी. व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी इज द एक्सपल्शन और द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम. ठीक है, इट इज नॉट सिनोनिमस विद द लेबर. ठीक है, आप डिलीवरी को लेबर के साथ ये सिनोनिम्स नहीं है, बिकॉज डिलीवरी कैन टेक प्लेस विदाउट लेबर एज इन केस ऑफ इलेक्टिव सी सेक्शन. है ना, सी सेक्शन में भी क्या होता है? डिलीवरी होता है बट विदाउट लेबर होता है. सो डिलीवरी और जो लेबर है वो हमारे सिनोनिम्स नहीं है. क्लियर हुआ ये डेफिनेशंस? पार्टुरेंट, पार्टुरेशन एंड डिलीवरी. क्लियर? नेक्स्ट, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो किसकी थी? लेबर की थी, है ना. अभी हम पढ़ने जाएंगे व्हाट इज नॉर्मल लेबर, कि वो जो लेबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको हम नॉर्मल कब बोलेंगे, है ना. और नॉर्मल लेबर को हमारा दूसरा नाम है यूटोशिया. ये इम्पॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉर्मल लेबर. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? यूटोशिया. सो लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल कब बोलेंगे? इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्राइटेरिया में क्या है? फर्स्ट है इट शुड बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इन ऑनसेट. कोई भी आप मतलब इंडक्शन नहीं कर रहे लेबर का. ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर. एंड सेकेंड हो गया एट टर्म. ठीक है, टर्म पे होना चाहिए, बिकॉज लेस देन 37 वीक्स के होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्री टर्म बोलेंगे, है ना. सो नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे? वैन इट अकर्स एट टर्म. देन थर्ड इज विद वर्टिक्स प्रेजेंटेशन. ठीक है, अगर कोई भी अदर प्रेजेंटेशन हुआ अदर देन वर्टिक्स तो उसको हम नॉर्मल लेबर नहीं बोलेंगे. सो द प्रेजेंटेशन शुड बी वर्टिक्स. ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा क्राइटेरिया है दैट विदाउट एनी अनड्यू प्रोलंगेशन. ठीक है, मतलब जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मल टाइम पीरियड उसके बीच में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी प्रोलोंग्ड. ठीक है, देन फिफ्थ क्राइटेरिया हमारा नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स. ठीक है, मिनिमल एड्स के साथ होना चाहिए, लाइक वैक्यूम नहीं यूज़ करना होना चाहिए उसमें, और हम फोर्सेप्स यूज़ करते तो वो नहीं होना चाहिए. इट शुड अकर विद मिनिमल एड्स. देन सिक्स पॉइंट हमारा है कि विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी. सो एक लेबर को नॉर्मल लेबर बोलने के लिए ये सब छह क्राइटेरिया आपका होना चाहिए. सो जब भी आप अपने एग्जाम में थ्योरी एग्जाम में डेफिनेशंस लिखते हो तो आपको ये पूरा सिक्स पॉइंट्स इंक्लूड करना है उसमें. क्या क्या है? इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, देन अकर्स एट टर्म, विद वर्टिक्स प्रेजेंटेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, ठीक है, विद मिनिमल एड्स, एंड लास्ट इज विदाउट एनी complication affecting the health of the mother and the fetus. Clear हुआ? Next, what is abnormal labor? Abnormal labor को और क्या बोलते हैं हम? Dystocia. दूसरा नाम है dystocia. So any deviation from the definition of normal labor is called as abnormal labor. हमने सिक्स क्राइटेरिया पढ़े थे, अगर उस क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता या फिर नॉर्मल से कुछ भी डेविएशन मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? Abnormal.
लाइक नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, है ना. बट अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की जगह वो हुई ब्रीच, ठीक है, ब्रीच हुई, या फिर फेस हुआ, ब्रो हुआ, ब्रो प्रेजेंटेशन हुआ, तो इन सब, ये सब किस में आ जाएंगे, एबनॉर्मल लेबर में आ जाएंगे, है ना. जैसे प्री टर्म हुआ तो वो एबनॉर्मल में आ जाएगा. अगर आपने कोई एड्स यूज़ किया या फिर कॉम्प्लिकेशन आ गया किसी मदर या बीबी को, तो वो सब क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लेबर में इंक्लूड होगा. क्लियर है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर एंड एबनॉर्मल लेबर. ओके, सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन्स एंड फॉल्स लेबर पेन. सो इज दिस फॉल्स लेबर और द ट्रू लेबर. तो क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन से ट्रू लेबर पेन्स हैं, कौन से फॉल्स लेबर पेन्स हैं. सो फर्स्ट आता है हमारे पास द रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डेट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी. सो जो हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है विच आर रेगुलर इन नेचर, रेगुलर होने चाहिए और इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू लेबर पेन, विच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, है ना. और अगर कॉन्ट्रैक्शंस हमारा इररेगुलर होगा तो वो फॉल्स लेबर पेन है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे. सेकेंड है इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन. सो कॉन्ट्रैक्शंस हमारे रेगुलर, रिदमिक एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है. बट फॉल्स में क्या होता है, यूजुअली स्टॉप हो जाते हैं विद वॉकिंग, ठीक है. बट ट्रू लेबर पेन्स विद वॉकिंग स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है. थर्ड है, जो हमारे ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो हमारे लोअर बैक में होते हैं, रेडिएटिंग टू लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन. बट फॉल्स लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट इन एब्डोमेन अबव अम्बिलिकस होगा, ठीक है. फोर्थ है, इसमें क्या होता है हमारे पास, ट्रू लेबर पेन में ब्लडी शो होगा, म्यूकस प्लस ब्लडी शो जो प्रेजेंट होता है वो होगा हमारे ट्रू लेबर पेन्स में, लेकिन कोई भी शो हमारा नहीं शो होगा इन द फॉल्स लेबर पेन में. देन इन ट्रू लेबर पेन हमको कुछ सर्वाइकल चेंजेस मिलेंगे विच आर डायलेटेशन. डायलेटेशन इज द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, वो इंक्रीज होगी. एंड एफेसमेंट इज द टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, टेकिंग अप या फिर थिनिंग ऑफ सर्विक्स, है ना, वो दिखेगी. बट इन फॉल्स लेबर पेन देर इज नो चेंज इन द सर्विक्स. देन सिक्स, इन ट्रू लेबर पेन्स यूजुअली द फीटस हेड इज इंक्रीज्ड, बट फॉल्स लेबर पेन में आपको फीटस बिलो टेबल फील होगा. देन सेवेंथ मेन पॉइंट इज, जो ट्रू लेबर पेन है वो एनीमा के साथ रिलीव नहीं होंगे, बट फॉल्स लेबर पेन यूजुअली रिलीव्स विद एनीमा. सो दीज आर द 6-7 पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू लेबर पेन्स एंड द फॉल्स लेबर पेन्स. सो लेट अस रिवाइज, ट्रू लेबर पेन्स आर रेगुलर, रिदमिक एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर, और वो इंक्रीज होंगे इन इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है. देन सेकेंड हमारा क्या है, शो प्रेजेंट होगा. देन डायलेटेशन एंड अफेसमेंट होगा. देन फीटस एंगेज्ड होगा एंड कैन नॉट रिलीव विद एनीमा. क्लियर है. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ लेबर. सो वी हैव मेनली 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. पहले क्या था, 3 स्टेज बोलते थे, लेकिन जो फोर्थ स्टेज है वो क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज है, तो वो भी हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर में इंक्लूड होता है. सो वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 इज द रिकवरी फ्रॉम डिलीवरी. सो अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है. मतलब ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होने से टिल फुल डायलिटेशन. फुल डायलिटेशन कितना होता है, इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है. सो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे डिवाइड है इनटू द 3 सब स्टेज. फर्स्ट है लेटेंट फेज, सेकेंड एक्टिव फेज एंड थर्ड इज द ट्रांजिशन फेज. लेटेंट फेज होता है, सर्विक्स डायलेट्स करता है टिल 3-4 सेंटीमीटर, मेनली हम 3 बोलते हैं इसको, ठीक है. माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है. एक्टिव स्टेज हमारा स्टार्ट होता है 4-7 सेंटीमीटर
5 मिनट्स अपार होंगे, जिसमें मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ब्लडी शो प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन्स में रप्चर इन द एक्टिव फेज। सो आपने देखा होगा कि पार्टोग्राफ में भी हम जो है हमारा जो चार्टिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो एक्टिव फेज से स्टार्ट करते हैं, 4 सेंटीमीटर्स से, है ना। सो एक्टिव फेज हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक होता है। बट रिसेंटली अभी कुछ चेंजेस हुए हैं पार्टोग्राफ में, वो भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ये होता है 7 to 10 सेंटीमीटर जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1 to 2 मिनट्स अपार्ट आएंगे कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज ब्लडी शो और होगा, लेग ट्रेमर्स प्रेजेंट होंगे, फ्लश्ड फेस, सडन नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट। समझ आया। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन्स टिल द फुल डायलेटेशन एंड इट हैज़ लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड द ट्रांजिशन फेज। देन इसमें मेन है एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में हमारा एवरेज ड्यूरेशन है 12 आवर्स एंड इन मल्टीपैरा वी हैव 6 आवर्स, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या क्या होता है, फर्स्ट सर्वाइकल एफेसमेंट एंड डायलेटेशन होगा। एफेसमेंट होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड डायलेटेशन होता है ओपनिंग, ठीक है। ये हमारा सब कुछ इसमें होगा फर्स्ट स्टेज में। देन सेकेंड स्टेज कहाँ से, फर्स्ट स्टेज अब आपने देखा, फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलेटेशन। तो अब सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकेंड स्टेज हमारे स्टार्ट होगी यहीं से, फुल डायलेटेशन से, एक्सपल्जन ऑफ फीटस, क्लियर है। सो स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। अब इसमें भी हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट है द प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड इज एक्सपल्जन फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। प्रोपल्सिव होगा फुल डायलेटेशन से, जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है लाइक हेड है, ठीक है, वर्टेक्स है, वो सब कहाँ तक आ जाए, पेल्विक फ्लोर तक। तो वो फेज क्या होता है, प्रोपल्सिव फेज। एक्सपल्जन फेज होता है डिस्टिंग्विश्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। एक्सपल्सिव जैसे नाम बता रहा है कि मदर को क्या होगा, बियरिंग डाउन वाले जो इफेक्ट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, मदर को बियर डाउन वाला सेंसेशन आएगा एंड इट एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन इसमें मेनली हमारा एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, 2 आवर्स होते हैं इन द प्राइमरी ग्रेविडा एंड 30 मिनट्स इन मल्टीपैरा, क्लियर है। सो ये है हमारा सेकेंड स्टेज, एक्सपल्जन ऑफ द हेड ऑफ द फीटस फ्रॉम यूट्रस एंड इट एंड्स विद एक्सपल्जन ऑफ फीटस, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अभी हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ पे एंड हुआ था, एक्सपल्जन ऑफ फीटस पे, है ना। तो थर्ड स्टेज वहीं से स्टार्ट हो गया, इट बिगिंस विद एक्सपल्जन ऑफ फीटस एंड एंड्स विद एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर आप थ्योरी एग्जाम में थ्योरी वो लिख रहे हैं डेफिनेशन, तो आपको ये ज़रूर लिखना है प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन, नॉट ओनली प्लेसेंटा, क्लियर। इसका एवरेज ड्यूरेशन है 15 मिनट्स इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टी। बट अगर हम कर रहे हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, तो उसमें कितना ड्यूरेशन है, इट इज रिड्यूस टू 5 मिनट्स, क्लियर। दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, क्लियर है। देन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट, ये कितने टाइम का होता है, फॉर 1 आवर आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ आफ्टर बर्थ, क्लियर है। इसमें हम क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराते हैं इन द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ये विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी जो है स्टार्ट करानी है। एंड इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे मदर्स एंड बेबी के वाइटल्स एंड मदर को अवॉइड करने के लिए हम इनक्रेज करेंगे। और फोर्थ स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग ईच स्टेज एंड द नर्सिंग केयर, क्या क्या हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है,
ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ लेबर हम वो पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच.